सागर, जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, कैसे देखते हैं आप इसको आज स्टेडियम में जो मैच हो रहा है? बहुत ही शानदार है इमरान। अगर हम चर्चा करें खेलों की, तो क्रिकेट में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लगभग 24 सालों के बाद लखनऊ में क्रिकेट हो रही है और पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हम रंगीन कपड़ों में देखेंगे। पिछली बार जब हमने 24 साल पहले देखा था तो वो सफ़ेद कपड़ों में था, आज हम रंगीन कपड़ों में क्रिकेट देखेंगे और 54 छक्कों की बारिश देखेंगे, जो कि वाकई यूपी क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट और ख़ासकर लखनऊ के लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक तो देखिए, इतना बेहतरीन स्टेडियम अभी इंडिया में इक्का दुक्का ही हैं। जो नए स्टेडियम्स बन रहे हैं वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बन रहे हैं, और यहाँ पे यूपी के लिए ये गर्व की बात है कि ऐसा स्टेडियम हमारे यहाँ है, बना है, और वहाँ मैच हो रहा है, इंटरनेशनल मैच हो रहा है। इससे लोगों के अंदर एक चाह बनेगी कि इस स्टेडियम में हम देखने आए हैं छोटे बच्चे, कि अब उनकी ये टारगेट होगा कि अब इस स्टेडियम में हम खेलें भी, तो इससे क्रिकेट डेवलप होगा। यंगस्टर्स और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस स्टेडियम में एज अ प्लेयर मैं खेलूं। खेल के नज़रिए से ये बहुत अच्छा प्रयास है, और ये जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं एकाना स्टेडियम, ये सिर्फ स्टेडियम नहीं, यहाँ पे बहुत सी खेल की फैसिलिटीज है। फुटबॉल है, इसके बाद आने वाले दिनों में यहाँ लॉन टेनिस होगा, बैडमिंटन है, स्विमिंग पूल है, क्रिकेट का एक ग्राउंड और है, फुटबॉल का ग्राउंड है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी आबादी इधर रहती जिसको इसका फ़ायदा मिलेगा, और आने वाले दिनों में यहाँ से आपको एक से एक अच्छे खिलाड़ी आपके सामने होंगे। और दूसरी बात यह है कि